हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। यहाँ पे हमने लिया है टमाटर, इसको हमने बारीक बारीक कटिंग किया है। प्याज, उसको भी हमने बारीक कट किया है। और यहाँ हमने ये लिया है लहसुन, इसको हमने कूट लिया है। ये हमारे पास पनीर है, पनीर को आप ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर हाथ की हेल्प से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। और ये हमने लिए यहाँ पे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे लुक, और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के हमने इसे गैस के ऊपर रख दिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा, और जो हमारे पास लहसुन है कुटा हुआ उसको, और साथ में जो कटी हुई प्याज है उसको, सबको अच्छे से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे हाई रखेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो जल्दी से पक जाए और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सब फिनिश हो जाए। इस तरीके से एवरीवन, हमारी जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने कैप्सिकम रखी है काट के उसको। इसको हम ओनली हाफ मिनट के करीब पकाएंगे, ज़्यादा सूख नहीं करेंगे वरना ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो कटा हुआ टमाटर है हमारे पास उसको, थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। गैस का फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर हाफ टेबल स्पून, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको एक मिनट के आसपास हम इसको पकाना है ताकि जो हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए और ऑयल निकलने लग जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लुक एवरीवन, हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारे पास पनीर है उसको, पहले हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और साथ में हमारे जो मसाले बचे हुए थे उनको, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो है ये तीखी नहीं होती, ये टेस्ट के लिए यूज करी जाती हैं, कलर के लिए इनका यूज होता है। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे एक दूसरे में। वाओ, लुक एवरीवन, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको 5-7 मिनट पकाएंगे। दोस्तों, ये प्रॉपर बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला, वो हमें एंड में डालना है जब हमारी सब्जी जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। और इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। अब हम इसको सर्विंग बाउल के अंदर निकालेंगे। वाओ, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बाउल के अंदर निकालेंगे इसको। लुक एवरीवन, हमारी जो पनीर भुर्जी है वो बाउल के अंदर आ चुकी है। आप इसे रोटी, पराठा, जिससे भी आपका मन हो उस चीज़ के साथ इसको ट्राई करें, काफ़ी अच्छी लगेगी खाने में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।